फास्ट टैग को लेकर वैसे तो अभी लोगों को एक महीने का और समय मिल गया है, लेकिन इसकी तैयारी हर टोल पर अधूरी ही नजर आ रही है। जी मीडिया की टीम ने जगह जगह जाकर स्थिति का जायजा लिया तो लोग परेशान ही नजर आए। सिरसा टोल प्लाजा पर भी स्थिति यही देखने को मिली, यहाँ भी फास्टैग का सिस्टम फेल नजर आया। एक एक किलोमीटर तक दोनों लंबी लाइनें नजर आईं। थोड़ी कमियां भी हैं, क्योंकि उसमें ना डायरेक्ट वो इंटरेक्शन नहीं हो पाती, उसमें भी कितने पैसे कटे, कितने वो मैसेज आए ना आए, गलत भी कई बार हो जाता है, उसमें थोड़ा उसकी वो नुकसान भी हो सकता है। अगर वो फास्टैग लेन से जाना चाहते हैं तब उनसे दुगना चार्ज लिया जाएगा, वरना उनके लिए कैश लेन 25% टोल प्लाजा में खुली हुई है, जिनमें उनको वेट करके निकलना पड़े। रोहतक में तो अभी भी कार पर फास्टैग लगाने को लेकर मारामारी ही नजर आ रही है। पेमेंट करके गया हूँ वो, अब ये लाइन बिल्कुल साफ सुथरी है, मैं जा सकता हूँ इसमें से, लेकिन उनका कहना ये है कि आप उसी में से जाओ, क्योंकि वो कैश की लाइन है, ऑलरेडी आया पेड द मनी। तो ये स्थिति इनकी है, इसको रिफाइंड करने में ये नाकामयाब हैं और लोगों को ये परेशान हो रहे हैं। लोग पैसे देना चाहते हैं, पीपल वांट टू गिव द मनी, लेकिन ये काम नहीं कर पा रहे और लोगों पे थोप रहे हैं। देखो, फ़ायदा टाइम की बचत है, तेल की बचत है, इसमें फ़ायदा बहुत है, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम ये अरेंजमेंट ठीक नहीं है और आज भी लाइन में लगे हुए हैं। नुकसान फिलहाल ये है कि भैया इनको काउंटर ज़्यादा बनाने चाहिए, एक काउंटर से कम नहीं चलना चाहिए। पब्लिक ज़्यादा है, देखो ट्रांसपोर्ट ज़्यादा है हमारे पास, ये आपको पता है, सभी पब्लिक को पता है कि ट्रांसपोर्ट ज़्यादा है, तो आपको काउंटर ज़्यादा बनाने चाहिए, कम से कम 4 काउंटर चाहिए यहाँ। वहीं संगरूर के भवानीगढ़ कालाझाट टोल प्लाजा पर भी फास्टैग को लेकर लोग परेशान दिखे। प्रॉपर जिहड़ा फास्टैग है काम नहीं कर रहा, एक नंबर है, दूसरा नंबर है, अगला 2 घंटे 4 घंटे वापस आता गा तो उन्होंने डबल परची पै जाती है जी। इंटरनेट पूरी तरह काम भी नहीं कर रहा इतने, हजे पिंडा के जो टोल प्लाजे लगे हुए हैं, पब्लिक परेशान हो रही है जी। एक मैटर तो ठीक कह सकते हैं बट हाँ जो क्राउडड है, अगले ने अंदर जाना होंगे, अगे किसी का पेशेंट है, असी प्रोग्राम से जाना, मीटिंग से जाना, वो लेट होंगे ने, ये प्रॉब्लम ने। हालांकि स्थिति को भांपते हुए अभी कुछ लाइनों को 15 जनवरी तक के लिए कैश लाइन के लिए रखा गया है। अभी शुरुआती दौर में फास्टैग पूरी तरह फ्लॉप नजर आ रहा है, क्योंकि बहुत सी गाड़ियों में फास्टैग नहीं लगे हैं, तो टोल पर फास्टैग की लाइन के इंतजामों में भी खामियां नजर आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।